गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रथमेश आपका स्वागत करता हूँ पलव्लॉग्स में। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको विश करना चाहता हूँ मैरी क्रिसमस। हालांकि अभी मैरी क्रिसमस हो गया एक दिन पहले 25th ऑफ दिसंबर और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस हो, बिकॉज हो सकता है कि ये जो अपना ब्लॉग है ये यही साल में आएगा और जो नेक्स्ट ब्लॉग हो सकता है कि वो अगले साल आएगा, मतलब ये जो व्लॉग है बिफोर 31st दिसंबर आ जाएगा और अगला व्लॉग हो सकता है कि जनवरी के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के डे के बारे में बात करूं तो आज मैं आया हूँ पालघर में। तो मोस्ट ऑफ ऑल गाइस को पालघर क्या है किधर है पता नहीं होता है। तो पालघर ये एक प्लेस है, वेस्टर्न रेलवेज में गिरता है, विरार से आगे फोर्थ स्टेशन पर, मतलब विरार फिर आता है वैतरना फिर आता है सफाले फिर केलवा रोड एंड देन पालघर। अराउंड मुंबई से 95-100 किलोमीटर हो सकता है। तो आज की वीडियो में स्पेशल आपको लेके आया हूँ केलवा बीच। केलवा बीच हम लोग बोल सकते हैं पालघर का वन ऑफ द अट्रैक्टिव प्लेस है। ओके तो हाउ टू रीच केलवा बीच ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। अगर आप केलवा बीच आना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोकल ट्रेन से आए, बिकॉज मुंबई लोकल्स आर ऑलवेज वेलकम एज दे आर वेरी चीप। ओके तो आए तो आपको क्या करना है कि पालघर स्टेशन के बाहर आना है, वो आपको आपको एसटी मिल जाएगा, एसटी बसेस एमएसआरटीसी के, और सेकंड जो है वहां पे शेयर रिक्शास होते हैं टमटम करके। ओके एक फर्स्ट ऑप्शन हो चुका, और सेकंड ऑप्शन जो है कि केलवा रोड से भी आप जा सकते हो। वहां से आपको नजदीकी अराउंड 8 किलोमीटर, वहां पे भी आपको एसटी बसेस अवेलेबल है और जिप्स, और पालघर से आपको अराउंड है 13 किलोमीटर फ्रॉम पालघर टू केलवा बीच। तो दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ केलवा बीच में। जैसे मैंने आपसे कहा केलवा बीच पे वहां पे एक मंदिर है, तो वहां मंदिर में भी हम जाएंगे शीतला देवी के। देन लेट्स गो। तो गाइस अभी मैं घर से निकला हूँ केलवा बीच जाने के लिए, थोड़ा सा लेट हो गया निकलने के लिए, अराउंड 2:45 हो गया। यहाँ पे खाते खाते थोड़ा सा लेट हो गया, खाने के टाइम टी शर्ट पे थोड़ा अचार गिरने के कारण मैं अभी टी शर्ट भी चेंज कर चुका हूँ। डिस्टेंस ट्रैवल करने से मैं अभी आ चुका हूँ केलवा बीच पे। केलवा बीच के बाजू में शीतला देवी माता का टेंपल है। तो ये शीतला देवी माता का टेंपल, ये रीजन है कि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम जी के वाइफ सीता जी को जब वनवास में डाला था, सेकंड टाइम जब वनवास पे गए थे, तब उनके जो दो सन्स थे लव और कुश वह यहाँ पे ठहरे थे। ओके ऐसा ये मैंने पढ़ा है अपने गूगल से, गूगल बाबा बोल सकते, कुछ नहीं मिल रहा है तो गूगल करो सब कुछ मिल जाएगा। आई एम नॉट श्योर, मैं जो पढ़ा मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है कोई दूसरा रीजन भी हो। हर एक बुक्स में हर एक अलग अलग कहानियां होती है, आपको वैसे भी पता होगा। गाइज अभी हम जा रहे हैं बीच पे, सम ऑफ देम सेस केलवा बीच, सम ऑफ देम सेस केलवे बीच। लीजेंड्स होते वो तो कहते हैं क्या पता है आपको कलवा बीच। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो एंट्री गेट, यहाँ पे पहला कोई एंट्री फीस नहीं होती थी, लेकिन अभी सिस्टम निकला है कि अगर आपको बीच पे जाना होगा तो 5 रुपीज पर पर्सन एंट्री करके आपको अंदर जाना है। ओके तो ये जो है गेट एंट्री गेट, और अभी हम जा रहे हैं आगे बीच। अगर आप लोकल हो तो आप इजीली यहाँ से अंदर आ सकते हो। देखा होगा मोस्ट ऑफ द फूड स्टॉल्स जो होते हैं वो बीच पे होता है एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे केलवे बीच पे जो फूड स्टॉल्स है वो थोड़े से आउटसाइड है, मतलब आपको ट्रैवल करना पड़ता है, मतलब बीच के जो एग्जिट करते हैं आप ना वहाँ पे आपको फूड स्टॉल्स यहाँ पे मिलेंगे। The ride that they have was 100 rupees per ride.
नॉट 100 रुपीज पर ईच। जो केलवा बीच है ना उसको एक ब्लैक सैंड बीच करके भी बोला जाता है। अगर आप मुंबई का हो ना तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है हैंग आउट के लिए वीकेंड्स में। आई नो मुंबईकर्स हो गए तो बहुत सारा प्रेशर होता है, बर्डन होता है हमारे सिर पे, बोलो जॉब का बोलो, स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर का बोलो, प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स कुछ भी हो। तो ये जो प्लेस है अगर आप मुंबई से भी पास है अराउंड 90 किलोमीटर्स पे, आप ट्रेन से आओ बाय रोड से आओ कुछ भी, वन डे स्टे करके जाओ, बीच पे खेलो मज़े करो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर मुंबईकर्स। मुंबईकर्स मैंने क्यों कहा, बिकॉज मुंबई में बीचेस है बहुत सारे लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे रश होते हैं। इट्स बेटर 90 किलोमीटर्स है मुंबई से, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे रूम फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, बाहर होटल्स है, रिसोर्ट्स है जहाँ पे आप रह सकते हो। जैसे मैंने कहा यहाँ का जो सैंड है वो ब्लैक सैंड है, तो ब्लैक सैंड है इसके वजह से क्या पता है कि जो पानी भी है ब्लैक सैंड के साथ मिक्स होने पर पानी भी थोड़ा सा डर्टी लगता है, लेकिन वो ऑब्वियसली डर्टी नहीं होगा, सॉल्टी तो ज़रूर है। ब्लैक सैंड होने के कारण वो थोड़ा सा कलर उसका बदल लेता है ब्लैकिश कलर में। घोड़ा गाड़ी राइड। हेलो हाँ कुल्ला होने, हाँ त्यांना बसवलं मी घोड़ा गाड़ी मध्ये, हे घ्या त्यांच्या नि बोला। हेलो हेलो हे क्रिसमस की छुट्टियाँ चालू है, न्यू ईयर चालू है, इसलिए बीच आज बहुत भरा भरा लग रहा है, मतलब बहुत क्राउडेड हो चुका है। यहाँ पे एक स्कूल की पिकनिक भी आई हुई है, आप देख सकते हो मेरे पीछे वहाँ पे है, जो बच्चे लोग हैं स्टूडेंट्स अपना फ़ोटोज़ निकाल रहे पिकनिक आए हुए। पहले बहुत ही लार्ज नंबर्स में ट्रीज था, पता नहीं कैसे कम हो गए। हमें अपने नेचर की थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज नेचर आपको विदाउट एनी फी आपको सब कुछ देता है, जैसे फ्रूट्स बोलो, फ्लावर्स बोलो, शेड्स बोलो। 1-1.5 घंटा ये बीच पे स्पेंड करने के बाद थोड़ा सा माइंड भी बहुत रिफ्रेश हो गया है और अभी टाइम हुआ है निकलने का यहाँ से। तो दोस्तों अपना वीडियो यहीं पे शॉर्ट और सिंपल रखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आपको सिर्फ 3 मैजिकल काम करने। क्या काम है वो? लाइक करो, शेयर करो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। पैसे नहीं लगते, जल्द से करो। थैंक यू। केलवे बीच और जो लीजेंड्स होते हैं, बोलते हैं ना लीजेंड्स,